भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा जिले में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ पोस्ट कार्ड अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत 10,000 लोगों से पोस्ट कार्ड में प्रदूषण के खिलाफ शिकायत एवं अपील लिखवाकर राज्यपाल महोदय को भेजने का लक्ष्य भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है। रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा जिले में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ पोस्ट कार्ड अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत 10,000 लोगों से पोस्ट कार्ड में प्रदूषण के खिलाफ शिकायत एवं अपील लिखवाकर राज्यपाल महोदय को भेजने का लक्ष्य भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है। इसके तहत प्रतिदिन भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर लोगों से पोस्ट कार्ड पर हस्ताक्षर कराया जा रहा है। इसी कड़ी में इस अभियान से पूर्व कलेक्टर व वरिष्ठ बीजेपी नेता ओपी चौधरी भी जुड़े और वे भी आज जिला न्यायालय पहुँचे और वहाँ उपस्थित सभी वकीलों से भी इस पोस्ट कार्ड अभियान में जुड़ने की अपील की। वकीलों ने भी इनके इस अभियान का समर्थन करते हुए पोस्ट कार्ड में हस्ताक्षर कर राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया। अब तक जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 6,000 पोस्ट कार्ड राज्यपाल को भेज चुके हैं और बहुत जल्द 4,000 पोस्ट कार्ड लोगों से हस्ताक्षर कराकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है। वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में यह अभियान चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रायगढ़ की टीम द्वारा रायगढ़ में बढ़ रहे लगातार प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम चलाई जा रही है कि यहाँ प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाते हुए लोगों के जीवन स्तर पे रियल सेंस में सुधार लाया जाए। ये बड़ा अभियान चला रही है भारतीय जनता युवा मोर्चा रायगढ़ में, उसी का समर्थन करने के लिए हम सब लोग आज वहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज हम लोग बार एसोसिएशन से समर्थन मांगने गए थे और बार के हमारे सभी वकील साथियों ने भी इस मुहिम का समर्थन किया है। इसी अभियान में हम लोग आज निकले। प्रदूषण से पूरा रायगढ़ जिला प्रभावित है, इतने ब्रांच सेक्टर में जी, इसमें अभी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, व्हीकुलर पॉल्यूशन है, सभी पर एक बृहद रणनीति बनाकर एक संपूर्ण तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। जैसे जो ESP होता है, जो प्रस्पिरेटर होता है, उसको बंद कर दिया जाता है उद्योगों द्वारा, और ये भ्रष्टाचार वाली जो कांग्रेस की सरकार है उसके लिए ज़्यादा समस्या हो रही है। उसको पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि प्रस्पिरेटर को अच्छे तरीके से चलाएं, और ऑनलाइन स्टेक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है उससे लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है कि एक मिनट के लिए भी अगर कोई इंडस्ट्री बंद करता है बिजली बिल बचाने के लिए तो तुरंत तो रेड अलर्ट आ जाएगा। जब गैस का इमिशन लेवल बढ़ेगा तो उस चीज़ को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। हम यह भी मांग करते हैं कि शहर के कम से कम 4 स्थानों पे एक बड़े LED बोर्ड लगाए जाएं, जैसे रायपुर में हम लोग जब कलेक्टर थे तब लगवाए हुए हैं, वैसे 4 स्थानों पे लगाएं जिसमें सभी पार्टिकल्स का और सभी गैसों का लेवल दिखता रहे, जिससे जनता देख सके कि पॉल्यूशन का स्तर क्या है। इस तरह से स्टेक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए। इसी तरह से जो जहाँ पे कोयले की सिगड़ियों से खाना पकता है वहाँ पे उज्ज्वला की योजना का लाभ देते हुए DMF की राशि को खर्च करते हुए जो हमारे गरीब भाई बहन है वो जो इनको सिगड़ी जलाना पड़ता है, कोयला जला खाना बनाना पड़ता है, उसके कारण भी प्रदूषण होता है, उसमें उज्ज्वला का गैस वितरण कराए सरकार DMF की राशि को खर्च करते हुए, यह भी हम मांग करते हैं। इसी तरह से सारे जो शहर हैं उसके बीच बीच में ऑक्सीजोन डेवलप किए जाएँ, फॉरेस्ट डेवलप किए जाएँ, अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएँ, डेंस फॉरेस्ट डेवलप किए जाएँ, ताकि जो प्रदूषण किस तरह है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा सब सड़कों को सुधारा जाए, चारों तरफ बाईपास निर्मित किया जाए, फ्लाईओवर ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि कहीं जाम ना हो, और जाम नहीं होने से भी वाहन जनित प्रदूषण जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है उसको भी नियंत्रित किया जा सके। इस तरह के मल्टीपल जो रास्ते हैं उसको लागू करने की हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं। अभी तक इस अभियान में कितने लोग जुड़ पाए? अभी इसमें 6,000 से अधिक लोग पोस्ट कार्ड में लिखित समर्थन दे चुके हैं और लाखों लोगों की संख्या तक यह जाएगा। हर व्यक्ति रायगढ़ जिले और से प्रभावित में प्रदूषण से प्रभावित हर व्यक्ति इसका समर्थन कर रहा है और बृहद समर्थन मिल रहा है, और हम प्रशासन से एक सकारात्मक पहल करने की मांग करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रायगढ़ इकाई द्वारा प्रदूषण के विरुद्ध पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। हम पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से आम जनता तक पहुँच रहे हैं और उनको इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में किस प्रकार प्रदूषण फैल रखा है और इसमें आपकी क्या राय है। तो सभी लोगों का ये इस राय मिली हमारे को कि प्रदूषण के विरुद्ध जरूर से जरूर कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार की अभी
कुछ देर पहले ही आपके पास माननीय ओपी चौधरी जी ने बात रखी, उसी के अनुरूप ऑक्सीजन हमको बनाना चाहिए। उद्योगों वालों उद्योग को बोलना चाहिए कि वो अपने उद्योग के चारों तरफ ग्रीन जोन ग्रीन बेल्ट बनाए, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है पॉल्यूशन का वो मॉनिटरिंग सिस्टम की शासन अच्छे से मॉनिटरिंग करे, और जो उद्योग अगर उस मॉनिटरिंग सिस्टम में खरा नहीं उतरता है उसके विरुद्ध में तत्काल कार्रवाई करें। आज जिस प्रकार प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है और जिस प्रकार से आम जनजीवन को वो प्रभावित कर रहा है, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से ये प्रदूषण की समस्या इस शहर से इस ज़िले से पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए, और इसके पोस्टकार्ड अभियान के आगे और किस प्रकार हम इस आंदोलन को आम जनता से जोड़ के अच्छे से आम जनता तक पहुंच सकते हैं, इसका प्रयास और कोशिश हम करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।